नमस्कार दोस्तों, आज एक नया वीडियो लेकर आया जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही एक लॉजिकल क्वेश्चन है, जो कि दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एक्स के पावर यदि जीरो है तो वैल्यू वन क्यों ऐसा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सपोनेंट का एक फार्मूला होता है कि एक्स के पावर एम और बाई एक्स के पावर एन इज इक्वल टू एक्स एम माइनस वन, मतलब ये ऊपर पावर जाता है तो एम माइनस वन हो जाता है। ध्यान दीजिए, यदि हम क्या करें, पुट एम इज इक्वल टू एन पुट कर देते हैं, तब ध्यान दीजिए इसकी जगह क्या हो जाएगा, एक्स के पावर एम हो जाएगा और एक्स के पावर एम हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स के पावर एम माइनस एन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सॉरी एम माइनस एम हो जाएगा, क्योंकि हमने एम की जगह एन पुट कर दिया। तो ये देखिए, ये एम से एम पूरा कट जाएगा, ये हो जाएगा वन और ये एम माइनस एम क्या हो जाएगा, एक्स के पावर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये कि ये हो गया, ये हम इसको लिख सकते हैं और एक्स के पावर जीरो इज इक्वल टू वन हो सकता है। तो ये इसका लॉजिक है, ठीक है। और एक्स यहाँ पे क्या हो सकता है, एक्स कैन बी एनी नंबर, एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन एक एक्सेप्ट जीरो को छोड़ने के बाद। अब क्या है, एक एक्सेप्शन भी है इस क्वेश्चन में, एक एक्सेप्शन क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन देख सकते हैं कि एक्सेप्शन ये है कि जीरो के पावर जीरो इज़ नॉट इक्वल टू वन, जीरो के पावर जीरो इज नॉट इक्वल टू वन, ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, ठीक, क्योंकि जीरो के पावर जीरो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। जीरो के पावर जीरो क्या है, अनडिफाइंड हो जाता है या नॉट डिफाइंड, जीरो के पावर जीरो इज अनडिफाइंड। तो कैसे हो जाता है, जब यहाँ पे हम जीरो रखेंगे इसी फार्मूले पे, तो एक्स जीरो के पावर एम और इसके बाद जीरो के पावर एन, और जब जीरो के पावर एन हो जाता है तो जीरो के पावर एम कुछ भी हो जाए यहाँ पे ये जीरो हो जाता है, और नीचे जब जीरो आ जाता है डिवाइड में तो ये क्या हो जाता है, पॉसिबल नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे मैंने आपका ये कन्फ्यूजन दूर किया कि एक्स के पावर यदि जीरो है तो उसकी वैल्यू वन होती है, एक्स के पावर यदि जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है, और यदि जीरो के पावर जीरो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। और यदि आप एक्स के पावर ही नहीं किसी वैल्यू रख दीजिए, मान लीजिए फाइव के पावर जीरो रखेंगे तब भी वन आएगा, पाई के पावर भी वैल्यू रखेंगे तो जीरो रखेंगे तो वन आएगा, 22/7 के पावर भी जीरो रखेंगे तो भी क्या आएगा, वन ही आएगा, -5 के पावर रखेंगे जीरो तब भी वन आएगा, मतलब कुछ भी एनी नंबर आप रखेंगे, कोई भी नंबर रख दीजिए आप जीरो को छोड़ करके, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी, अनडिफाइंड ही आएगी। इसी प्रकार से और भी जो क्वेश्चन होंगे मेरे दिमाग में या आपके दिमाग में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ इसको फैलाएँ, शेयर करें प्लीज़। बहुत मेहनत लगती है ऐसे ऐसे वीडियो बनाने में, आप लोग मेरे चैनल को प्यार दें, ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।